हेलो व्यूअर्स, मैंने एक रीसेंट सर्वे पढ़ा था एंड दैट सर्वे सेड दैट इन इंडिया इंडियंस हैव लेस देन 25% फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी भारत में 25% से कम फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं. इज इन दैट सरप्राइजिंग? आज के फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज में हम इसी के बारे में बात करेंगे. फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? इंडिया इज सपोज टू हैव वेरी एजुकेटेड पीपल एंड इंटेलिजेंट पीपल, तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी कम क्यों? फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम सब समझें. हम इन सब चीजों को समझेंगे तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम अपने पैसे को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. हाँ, और यही होती है फाइनेंशियल लिटरेसी. हम बचपन से स्कूलों में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अपनी अर्निंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, या कौन सा ऐसा कोर्स कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा स्किल सीख सकते हैं जिससे हमारी अर्निंग्स बढ़े, ये सीखते हैं. बट हम ये कभी नहीं सीखते या कोई स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, और ये बहुत जरूरी है. और इसी चीज को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन. और ये फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में अभी नहीं आई है. हमारी जो ये फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज है, इसी की तरफ एक पहल है. हम चाहते हैं कि आप सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना फंसे. आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका पैसा है, क्या वो ग्रो कर रहा है, आपने उसे इन्वेस्ट कहाँ किया है, क्या आपकी डिसीजन ठीक थी इन्वेस्टमेंट करने की, क्या आप किस लिए अपना पैसा जमा कर रहे हैं. हाँ, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी लोग पैसा क्यों जमा करते हैं, किस लिए जमा करते हैं, वो सोचते ही नहीं है. वो सिर्फ जो भी पैसा होता है बस इन्वेस्ट कर देते हैं और ये भी नहीं देखते कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है. किसी दोस्त ने कहा है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी से सुना होता है कि चलो ये कर लेते हैं तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर कभी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं करते. तो सबसे पहली जरूरत जो हम सबको है वो ये है कि हम पहले लिखें कि हमें आगे जो पैसा चाहिए होगा वो किस चीज के लिए चाहिए होगा. हम हमेशा से कहते हैं कि आप अपनी अनसर्टेनिटीज को प्लान करके चलिए. So, पैसा जब आप जोड़ते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं तो चीजों के लिए करते हैं जो आपकी आगे की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और कुछ चीजें होती है अनसर्टेनिटीज जो आपको नहीं पता होता कि क्यों होंगी या क्या होंगी. अब जैसे इंश्योरेंस ले लो, हम क्यों करते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे को जो अर्निंग मेंबर हो घर का उसे कुछ हो जाए तो कम से कम बाकी लोगों को एक इनकम आती रहे, कुछ पैसा आता रहे. पर क्या कोई ये सोच के इन्वेस्ट करता है? नहीं, हर बंदा सिर्फ ये करता है कि चलो मैंने इंश्योरेंस कर दी, पर क्या हम ये देखते हैं कि मैंने कितने अमाउंट की इंश्योरेंस करी है, क्या मेरी फैमिली उस पर जी पाएगी? नहीं, हम ये नहीं सोचते. सो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज टू बी प्लान्ड. यू हैव टू हैव अ थॉट प्रोसेस. आपको एक सोच चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसे कहां लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, क्या आपका पैसा आगे बढ़ रहा है, क्या आपने इसे छोड़ तो नहीं दिया अपने पैसे को, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो आप करने की सोच रहे हैं क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स आगे की फॉलो कर सकता है. या जैसे अगर हम कह लें कि अगर हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सोचते हैं तो क्या उस टाइम पे जब मैं रिटायर होंगी क्या मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपनी लाइफ अपनी इन्वेस्टमेंट पे जी सकती हूँ. सो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी का कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आपका डेट थोड़ा कम होना चाहिए. आपको डेट पे लाइफ नहीं जीनी, डेट मतलब लोन पे, आप लोन पे जिंदगी ना जिए. अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे. अब हम आप ये कहेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी ले कहां से? तो फाइनेंशियल लिटरेसी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा. थोड़ा सा तो आप पढ़ ही सकते हैं बुक्स में,
इंटरनेट पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई चैलेंज है तो आजकल के टाइम पे यू हैव फाइनेंशियल प्लानर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आप उनकी मदद ले सकते हैं। आप उनसे पूछिए, उनसे समझिए, आप उनको बताइए कि आप क्यों पैसा जोड़ना चाहते हैं, किस लिए जोड़ना चाहते हैं, और उनसे सजेशंस लें, उनकी एडवाइस लें। बट उनकी एडवाइस को भी वापस समझ के करिए इन्वेस्टमेंट। आप ये देखिए क्या वो एडवाइजर ने आपको राइट एडवाइस दी है, क्या उस एडवाइजर ने आपका रिस्क समझा है, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न समझी है। वो सब सोच के तब ही आप एक इन्वेस्टमेंट करें। सो पैसा आपका तो समझ आपकी और सोच आपकी। आप अपने पैसे को ठीक से लगाएं, समझ के लगाएं और आपके रिक्वायर्ड बेनिफिट के लिए लगाएं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें और हम उनको भी कंसिडर करेंगे और आपको उनके बारे में समझाएंगे। सो यू कैन वॉच आर वीडियोज, यू कैन रेफर टू आर ओल्डर वीडियोज। आप हमारे पुराने वीडियोज देखें और समझिए कि फाइनेंशियल लर्निंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शेयर एंड लाइक आर वीडियोज। स्टे कनेक्टेड टू रेडियो द्वारका। थैंक यू।